अक्सर धन संपत्ति और जमीन जायदाद को लेकर लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, यहाँ तक कि लोग पैसों के लिए इतना गिर जाते हैं कि अपने ही लोगों का खून कर देते हैं। आज के समय में परिस्थितियाँ इतनी बदल गई हैं, अगर रास्ते में कोई गरीब असहाय मदद मांगते हुए मिल जाए तो भैया कोई भी उनकी सहायता करने के लिए सामने नहीं आता। फिर भी इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मसीहा बनकर हमेशा गरीबों असहाय की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, जिसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि इन्हीं लोगों की वजह से आज धरती पर इंसानियत जिंदा है और दुनिया चल रही है। वरना इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी में बिना स्वार्थ के कौन किसकी मदद करने आता है। ऐसे में दोस्तों आज हम आपको कैमरे में रिकॉर्ड इंसानियत से जुड़ी कुछ ऐसी बेहतरीन वीडियो क्लिप दिखाने वाले हैं, जिसे देखने के बाद आप यही कहोगे इन्हीं लोगों की वजह से आज धरती पर इंसानियत जिंदा है। नंबर वन, दोस्तों जैसे जंगल का राजा शेर होता है वैसे ही सांपों का राजा किंग कोबरा होता है, जो कि सभी सांपों में सबसे खतरनाक और जहरीला होता है। अगर ये किसी व्यक्ति को काट लेना तो भैया उसकी मौत निश्चित है। यही वजह है कि लोग सपने में भी किंग कोबरा के सामने जाने से डरते हैं। लेकिन दोस्तों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति इस प्यासे किंग कोबरा को पानी पिलाते हुए नजर आ रहा है। आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं कि किंग कोबरा ठीक दरवाजे के सामने फन फैलाए खड़ा है और एक व्यक्ति दरवाजे के पीछे खड़ा होकर पाइप की मदद से किंग कोबरा को पानी पिला रहा है। इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद हर कोई दंग है और लोग इसे इंसानियत का काम बता रहे हैं। नंबर टू, दोस्तों हमारे समाज के अंदर पुलिस को लेकर एक गलत अवधारणा बन चुकी है और जो पुलिस हमारी रक्षा के लिए होती है हम उन्हीं से डरते हैं। अक्सर आपको लोगों के मुंह से ये सुनने को मिल जाएगा कि पुलिस वाले करप्ट होते हैं, बिना पैसे लिए काम नहीं करते। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि हर पुलिस वाला करप्ट नहीं होता, कुछ गिने चुने करप्ट पुलिस वालों की वजह से ही पूरा पुलिस महकमा बदनाम है। कैमरे में रिकॉर्ड इस वीडियो क्लिप में आप देख सकते हैं कि एक पुलिस वाला सड़क किनारे ठंड से बचने के लिए गरीब लोगों को जैकेट, टोपी और हाथ में दस्ताने पहनने के लिए दे रहा है। इस नेक कार्य को देखने के बाद हम यही कह सकते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट में भी अच्छे लोग मौजूद हैं। वैसे इस वीडियो क्लिप को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर थ्री, दोस्तों माना जाता है कि ऊंट बिना पिए लगभग 6 महीने तक जीवित रह सकता है, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रही है जिसमें एक व्यक्ति ऊंट को पानी पिलाते हुए नजर आ रहा है। इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं कि चिलचिलाती गर्मी के मौसम में एक ऊंट थक कर प्यास के मारे सड़क किनारे सुनसान जगह पर लेटा हुआ है। तभी एक नेक दिल इंसान उस ऊंट के लिए मसीहा बनकर आता है और उसे बोतल से पानी पिलाता है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो ने सभी लोगों का दिल जीत लिया, तो वहीं कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे इंसानियत का बेहतरीन मिसाल बताया। नंबर फोर, दोस्तों आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति नाले के किनारे प्लास्टिक के बने हुए घर में रह रहे हैं। इस बुजुर्ग की हालत इतनी खराब है कि ये अपने पैरों पर चलने में सक्षम तक नहीं है। इनकी खराब हालत को देखकर कुछ लोग इस बुजुर्ग की मदद करने के लिए सामने आते हैं। एक यंग लड़का बुजुर्ग को गोद में उठाकर गाड़ी में बिठा देता है और उनको पानी पीने के लिए देता है, फिर उनको अपने साथ ले जाता है। बुजुर्ग व्यक्ति को नहाए हुए काफी दिन हो गए थे, वो काफी गंदे दिख रहे थे और दाढ़ी बाल भी ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए यंग लड़का सबसे पहले बुजुर्ग व्यक्ति के दाढ़ी बाल क्लीन करता है, फिर बुजुर्ग को अच्छे से नहलाता है और अच्छे कपड़े पहनाकर अंत में चाय पीने के लिए देता है, जिसके बाद बुजुर्ग व्यक्ति लड़के को दुआएं देता है। तो दोस्तों जहां आज के समय में बच्चे बड़े हो जाने के बाद अपने माँ बाप को नहीं पूछते, वहीं गैर के प्रति इस लड़के का प्रेम देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि आज के समय में भी इन्हीं लोगों की वजह से दुनिया चल रही है। नंबर फाइव, दोस्तों कहा जाता है कि भगवान हर किसी की मदद करने के लिए खुद नहीं आ सकते, इसलिए हमेशा भगवान गरीबों और असहाय की मदद करने के लिए इंसान के रूप में फरिश्ते को भी भेज देते हैं। अब आप इस वीडियो क्लिप को ही देख लीजिए, आप इस वीडियो क्लिप में साफ साफ देख सकते हैं कि एक बुजुर्ग के लिए बस रुकी हुई है और उन्हें बस में चढ़ना था, लेकिन बुजुर्ग अंकल की आंखों की दृष्टि खराब होने और चल पाने की दिक्कत होने की वजह से वह बस के पास पहुंच नहीं पा रहे थे। तभी एक महिला उनके लिए फरिश्ता बनकर आती है और बिना किसी स्वार्थ और लाभ के उन्हें बस तक ले जाकर बस में चढ़ा देती है। वैसे दोस्तों क्या आपने कभी बिना किसी स्वार्थ के किसी गरीब या असहाय की मदद की है? अगर हाँ तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नंबर सिक्स, दोस्तों अगला वीडियो क्लिप पाकिस्तान के लाहौर का है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति गोद में डॉल्फिन मछली लिए हुए है। दरअसल होता ये है कि पानी की ये मछली लहरों में बहकर नदी के किनारे आ गई थी और पानी के अंदर जाने के लिए काफी संघर्ष कर रही थी।
इतने में एक मछुआरे की नजर इस डॉल्फिन मछली पर पड़ती है और वो उसे गोद में उठाकर काफी दूर नदी के अंदर ले जाकर छोड़ देता है। जहां आज के समय में एक इंसान के काम नहीं आ रहा, वही इस व्यक्ति ने एक मछली की मदद की। जबकि मछुआरा चाहता तो डॉल्फिन मछली को बेचकर हजारों रुपए कमा सकता था। तो दोस्तों, इस तरह की इंसानियत को सल्यूट है। नंबर 7, दोस्तों नेक्स्ट वीडियो क्लिप लगभग 3 साल पुराना है। दोस्तों मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो क्लिप में दो व्यक्ति एम्बुलेंस को पैर से धकेल कर अस्पताल पहुंचाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों दरअसल बात यह है कि रात में दूसरे अस्पताल में मरीजों को शिफ्ट करने के दौरान एम्बुलेंस में खराबी आ जाती है। तभी वहां दो बाइकर्स फरिश्ते बनकर मदद के लिए सामने आते हैं और एम्बुलेंस को 12 किलोमीटर तक पैर से धक्का लगा कर ले जाते हैं। आपको बता दें कि ये वीडियो क्लिप दिल्ली की है, जिसमें मरीज को दिल्ली के ही अस्पताल राम मनोहर लोहिया में शिफ्ट किया जा रहा था। रात के समय जब एम्बुलेंस खराब हो गई तो रास्ते में कई लोग फोर व्हीलर से आ जा रहे थे, लेकिन किसी ने भी मदद के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन इसी बीच इन दो बहादुर युवाओं ने खुद की जान खतरे में डालकर एम्बुलेंस को धक्का देते हुए 12 किलोमीटर दूर तक ले गए। नंबर 8, दोस्तों अगला वीडियो क्लिप काफी चौंकाने वाला है। इस फुटेज में देख सकते हैं कि एक कुत्ता पैर फिसलने की वजह से स्विमिंग पूल में डूब गया, जिसके बाद डॉगी स्विमिंग पूल से बाहर निकलने के लिए काफी कोशिश करता है लेकिन बाहर नहीं निकल पाता है। तभी अचानक इस वीडियो क्लिप पर दूसरे कुत्ते की एंट्री होती है और वो इस छोटे से डॉगी को पानी में डूबने से बचाने के लिए हर संभव कोशिश करता है और अंततः काफी मशक्कत मेहनत के बाद डॉगी को बाहर निकालने में सफल भी हो जाता है। दोस्तों जहां आज के समय में इंसान को इंसान से ही प्रेम नहीं है, तो वहीं इन दोनों जानवरों के बीच का प्रेम देखकर मेरे तो भैया आंखों में आंसू आ गए। तो भैया, इन तमाम वीडियो को दिखाने का मकसद यही है कि आपके अंदर भी ऐसी ही निस्वार्थ सेवा करने की भावना जाग जाए और किसी बेसहारे या मददगार को मदद मिल जाए। तो ऐसी दिल छू जाने वाली वीडियो रोज देखने के लिए ज्ञान कुंभ पर बने रहे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।